तो गाइज मेरा एक दोस्त था और वो बहुत टाइम से घर पे खाली बैठा हुआ था। तो एक दिन ऐसे ही वो मेरे पास यार बोला, यार कि मैं बहुत टाइम से खाली बैठा हूँ, तो आप जॉब की वीडियोस बनाते हो, तो कोई ऐसी वीडियो या ऐसी कोई जॉब है जो मैं घर बैठे बैठे कर सकूँ। तो मैंने उसको एक ऐसी जॉब के बारे में बताया जहाँ पर वो घर बैठे बैठे पैसा कमा सके, और जॉब भी कोई ऐसी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी की जॉब हो। जॉब जो है आपने उस कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा, और काम भी बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर देखिए कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, यानी कि एज ए फ्रीलांसिंग आपको यहाँ पर काम करना होता है। तो जितना आप काम करेंगे उसके हिसाब से यहाँ से आपको पैसा मिलेगा। अब जब मैंने उसको ये बताया और उसने अप्लाई किया, बिलीव मी गाइज उसका सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी आज से 4-5 महीने पहले, और बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ था। अब दोबारा से इस कंपनी की ये जॉब निकली हुई है, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, तो मैंने सोचा यार जल्दी से इसके ऊपर वीडियो बना दूं, ताकि आप लोग जो अभी घर पे खाली बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि यार घर बैठे बैठे इनकम होनी शुरू हो जाए, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप जानते हैं, देखो मैं इस चैनल पे किसी भी ऐप या कोई भी ऐसी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं करता, ना कोई ऐसी वेबसाइट या ऐप आप लोगों को बताता हूं जहां पर आपको काम करने को पहली बात तो मिले ना और कोई इनकम भी ना हो। अब ये जो चैनल है स्पेशली जॉब वालों के लिए है, यानी कि जो जॉब करना चाहते हैं, जो एक कंपनी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं और उसके एवज में पैसा लेना चाहते हैं। ये जो कंपनी है, जैसे मैंने बताया कि 100% जेनुअन है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सिर्फ 12th पास रिक्वायरमेंट है। अगर आप 12वीं पास हैं तो समझ लो कि यार यहाँ पर आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कंपनी में, जैसे मैंने बताया कि ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, हिंदी आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि अगर कोई सामने वाला आपसे कुछ बोल रहा है तो आपको समझ में आ जाए। अब क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी यूज करते हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों के साथ वो शेयर करते हैं और आप उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये आपका छोटा सा काम होने वाला है। तो अब वो कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको इस तरह का काम दे रही है, ये मैं अभी आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर आगे दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर देखिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं जहां पे आपको वीकली पेमेंट भी मिलता है, मंथली पेमेंट भी मिल सकता है, और जैसे मैंने बताया कि काम की कोई बाउंडेशन नहीं है। इंडिया के किसी भी कोने पे आप रहते हो वहां पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल है, फीमेल है, रिटायर्ड पर्सन है, तो इस तरह की अगर आप घर पे खाली बैठी हुई है, कोई एक महिला है लेकिन चाहती हैं कि घर में बैठे बैठे कुछ अर्निंग कर लें, तो आपको इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। अब बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर इस जॉब की पूरी डिटेल्स बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। बिना टाइम वेस्ट के लैपटॉप के स्क्रीन पर जाने से पहले अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि यार देखो 2023 ये चल रहा है, लगभग आधा मंथ निकलने वाला है, और अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो और यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहे हो, यूट्यूब से पैसा नहीं कमा रहे हो, तो आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाकर पैसा भी कमाना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं अभी आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर दिखाऊंगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, और वहां पर मेरा एक चैनल है क्यूए फॉर अर्न, उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो वहां पर मैंने वीडियोस बनाई जो बताते हैं आपको कैसे यूट्यूब पे ग्रो करना है, तो अभी से अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, समझते हैं पूरा प्रोसीजर। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाना है। ब्राउजर पर जाने के सिंपल सा यहाँ पे आपको टाइप करना है earnonline.co.in, ये आपको टाइप करना है। दोबारा देख लीजिए earnonline.co.in, इस पे आपको एंटर मार देना है। जैसे ही आप एंटर मारेंगे सबसे ऊपर देखिए आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, अब यहां पे देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है डिश टीवी में जॉब करें घर बैठे, ये पहला ऑप्शन मिल रहा है। अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज ओपन होगा, इसको क्लोज कर देना है, दोबारा से इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए आपको ये सारी डिटेल्स हिंदी में मैंने लिखी हुई है कि आजकल की डिजिटल दुनिया में फ्रीलांसिंग एक ऐसा विकल्प बन गया जहाँ पर लोग घर बैठे काम करके अपनी तरह से पैसे कमा सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने डिश टीवी के बारे में सारी डिटेल्स में आपको हिंदी में लिखा है ताकि आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि हिंदी वाली वेबसाइट बताओ जहाँ पे हम हिंदी में आराम से पढ़कर उस पर अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे देखिए पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों तरह का काम होता है, फ्रीलांसिंग के अलावा इनबाउंड कॉल सेंटर के लिए भी आप फुल टाइम और पार्ट टाइम में आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है वेबसाइट के लिए अप्लाई करें, यहाँ पे एक अप्लाई का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको इस अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही इस अप्लाई के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, डिश टीवी की ऑफिशियल ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि फ्रीलांसर फॉर इनबाउंड कॉल्स अर्न फ्रॉम होम, यानी कि घर बैठे बैठे आपको यहाँ पर काम करना है, आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना है, डिश टीवी के ऑफिस जाके काम नहीं करना है, आपको घर बैठे बैठे एज ए फ्रीलांसिंग यहाँ पे काम करना है। और सिर्फ जो क्वेरीज हैं, जो कस्टमर की जो डिश टीवी से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं वो आपको सुननी है और उनका आपको आंसर देना है। तो ये यहाँ पर आपका काम होने वाला है। वर्क एक्सपीरियंस एनी, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी कोई इशू नहीं है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन पहले आपको ध्यान से करनी है कि लिखा हुआ है अर्न फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी फॉर किस किस के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स हो गई, रिटायर्ड हो गए, फ्रेशर्स हो गए, वीआरएस हो गए, एक्सपीरियंस्ड हो गए, जिनकी गुड हिंदी और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हो। अब यहाँ पर देखिए हिंदी सबसे मेन है, इंग्लिश सेकेंडरी है, क्योंकि हो सकता है कि जिस सिटी में आप रहते हो वहाँ हिंदी की बजाय इंग्लिश बोली जाती हो, तो ये भी इसलिए इंग्लिश आपको सेकंड लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पे आपका रोल क्या होने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इनबॉर्न कॉल है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनबॉर्न और आउटबॉर्न में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए जो इनबॉर्न कॉल्स होती हैं इसमें कॉल्स आपके पास आती हैं, आपको किसी को कॉल नहीं करनी होती। आपने देखा होगा कि आपके पास भी बहुत सारी कॉल्स आती है, जैसे कि आपको कोई कॉल आती है और ये बोला जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, लोन ले लीजिए, तो वो होती हैं आउटबाउंड कॉल, यानी कि लोग आपको कॉल करते हैं। लेकिन जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो यानी कि आपका कोई, जैसे मान लीजिए जियो का सिम है, अब आप जियो में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप जियो के कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, तो वो होती है इनबाउंड कॉल, यानी कि कस्टमर कॉल करता है कंपनी को। तो यहाँ पर यही काम आपका है कि आपके पास कॉल आएंगी, आपको किसी को कॉल करनी नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एडवाइजर्स विल रिसीव कस्टमर केयर रिलेटेड कॉल्स, यानी कि कस्टमर की जो भी क्वेरीज हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपके पास कॉल्स आएंगे। डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल क्या है कि आपके पास आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप और ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। अब आप में से बहुत लोगों के पास जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होगा, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। देखिए अगर आप सिटीज़ में रहते हैं, अगर आप ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर रेंट पे डेस्कटॉप लैपटॉप मिल जाते हैं, तो उनको रेंट पे ले लीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको एक बार एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं गूगल पे सर्च करता हूँ लैपटॉप ऑन रेंट इन, अब जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने दिल्ली कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास अलग अलग वेबसाइट्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पे जैसे ये है लैपटॉप एंड मैकबुक ऑन रेंट ऑन दिल्ली, जैसे मैं इसी को देख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टार रेटिंग अच्छी है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस आ चुके हैं। अब ये देखेंगे ऑप्शंस, अब आपको यहाँ पे अपने अनुसार ऑप्शन चूज करने हैं, आप अपने अनुसार ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब अगर मैं जैसे किसी और वेबसाइट को देखूँ, देखो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि जो आपको वेबसाइट पहली मिलेगी उसी पर आप कर लीजिए, आपको अपने हिसाब से देखना है कि किस हिसाब से यहाँ पर आपको कितने अमाउंट में आपको लैपटॉप मिल रहा है। अलग अलग होते हैं, यहाँ पर देखिए 1399 रुपये मंथली मिल रहा है फोर्थ जनरेशन का कोर i3 लैपटॉप, तो क्या बुरा है। 1400 रुपये में अगर आपको लैपटॉप रेंट पे मिल रहा है तो ले लीजिए, इससे ज़्यादा इनकम आप कर लेंगे और ऊपर से आपको लैपटॉप की जानकारी भी हो जाएगी। देखिए कोर 15 यहाँ पे 1700 मंथली का मिल रहा है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा अपनी सिटी के हिसाब से। अब वापस हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या लिखा हुआ है कि ऑन पर कॉल बेसिस, यहाँ पे जो आपकी इनकम होगी वो होगी आपकी कॉल के हिसाब से, यानी कि जितनी आप कॉल लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी इनकम होने वाली है। अब यहाँ पे की स्किल्स के बारे में बताएगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर केयर, वॉइस प्रोसेस, कस्टमर सपोर्ट, ये जो स्किल्स हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप
के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप इनको इस नंबर पर मेल करके भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, सिंपली इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है डीटीएच ब्रांड ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे ये गूगल फॉर्म है जिसको कि आपको भरना होता है, क्योंकि पहला जो पड़ाव है वो यही है कि यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी होती है। सबसे पहले देखिए ईमेल एड्रेस यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जीमेल अकाउंट डाल दीजिएगा, उसके बाद फुल नेम एज पर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपका पूरा नाम है डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड में वही यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आप किस सिटी में अभी आप रहते हैं वो सिटी का नाम लिखना है। उसके नीचे यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, ईमेल आईडी ध्यान से वो डालिएगा जो आपका एक्टिव हो। लोकेशन स्टेटस देखिए यहाँ पे तीन दी गई हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हर लोकेशन में अलग अलग सिटीज़ हैं, तो जिस सिटी में आप रहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट स्टेट नेम आप कौन सा, यानी कि अभी कौन से स्टेट में आप रहते हैं वो यहाँ पे डालना है। फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है क्योंकि उसी पे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप सेम डाल दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपको सेम डाल देना है, अगर आप सेम ही यूज़ करते हैं, अगर कोई और व्हाट्सएप नंबर यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर नीचे आता है जेंडर, जेंडर में मेल सेलेक्ट कर लीजिए या फीमेल कर लीजिएगा। नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा डेट मंथ ईयर के हिसाब से। फिर यहाँ पर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है कि आप क्या हैं, अभी हाउसवाइफ हैं, एक्सपीरियंस है, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे नीचे वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कितना आप पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट या डिप्लोमा, जो भी है आप यहाँ पे ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट में देखिए 12th पास और ग्रेजुएशन पेंडिंग आएगा, तो यहाँ पे आप जो भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हैविंग ओवन डेस्कटॉप लैपटॉप कि आपके पास क्या लैपटॉप डेस्कटॉप है, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लेकिन ये मत कीजिए क्योंकि इससे फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। हैविंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन कि आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन मॉडम या डोंगल कुछ है, तो यस, नहीं तो नो, नहीं तो आप बाद में भी ले सकते हैं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हैविंग स्मार्टफोन, अगर स्मार्टफोन है तो यस, नहीं तो नो। लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती है, हिंदी इंग्लिश के अलावा जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो यहाँ पे आप अदर में जाके कर सकते हैं। अगर हिंदी या इंग्लिश में से दोनों आती है दोनों करने के बाद छोड़ सकते हैं, अगर कोई और सी लैंग्वेज आती है तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे देखिए सोर्स ऑफ गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कहाँ से आपको ये पता लगा, तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, यूट्यूब सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कि अगर आपको रेफर किसी ने किया हो तो यहाँ पे आ सकते हैं, आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पहले इंग्लिश कम्युनिकेशन को रेट देना है कि आपकी कितनी है, तो ये 9 है, आप 9 पे सेलेक्ट कर सकते हैं या 8 पे कर सकते हैं या 10 पे। अगर आपकी बहुत अच्छी है तो 10 पे कर दीजिएगा, अगर आपकी थोड़ी बहुत अच्छी है तो आप 8 पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी के लिए पूछा तो हिंदी आउट ऑफ 10 कर दीजिएगा। अब डू यू हैव ए प्रीवियस एक्सपीरियंस कि आपके पास पहले कोई एक्सपीरियंस है वॉइस प्रोसेस में बीपीओ के अंदर, अगर है तो यस, नहीं तो नो, नहीं तो एक्सपीरियंस इन अदर फील्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 सेट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा डीटीएच की तरफ से, और वो फिर इस पर रिव्यू करेंगे, और जैसे ही आपकी जो भी डिटेल्स हैं मैच कर जाएंगी तो आपके पास मेल या कॉल आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्लाई कर देना है, अप्लाई कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा और विश करूंगा कि आप में से ज्यादातर लोगों की जॉब यहाँ पे लग जाए। थैंक यू गाइज। तो गाइज देखा आपने, यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता सकूँ, ऐसे ही आपको करना है। देखो यार टेंशन नहीं लेनी है, आपको अप्लाई जरूर करना है, बहुत लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है घर बैठे बैठे। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिलने वाली जहाँ डिश टीवी जैसी कंपनी के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है। तो अभी से अभी यार जैसे मैंने आपको बताया है कि गूगल पे जाकर आपको earnonline.co.in पे जाकर इस वेबसाइट को चेक करना है। अगर कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।